सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। रहमान रहीम, आप देख रहे हैं दोस्त न्यूज टीवी। आज के खबरनामे के साथ हाजिर हैं। मेडर्ड हुकूमत ने मुख्तलिफ इलाकों में नकलो हमल में मजीद सख्ती कर दी है। यह फैसला कोरोना केसेस में तेजी से इजाफे को मद्देनजर रखकर किया गया। नई पाबंदियों के जद में आने वाले मुकामात में 6 हेल्थ केयर जोन, जिनमें कई प्राइमरी हेल्थ केयर जोन भी आते हैं, इनके अलावा 3 बल्दियात भी शामिल हैं। इन मुकामात में लॉकडाउन नाफिज होगा। शहरी सिर्फ बुनियादी जरूरियात के लिए बाहर जा सकेंगे। 6 जोन जहां पाबंदियों का इतलाक होगा, इनमें गेताफी म्यूनसिपैलिटी में लास मार्गरेतास, सान फर्नैंडो में सान फर्नैंडो दी मिनारस, विला वेसेसा दी ओदन के कस्बे में विला वेसेसा दी ओदन और मैड्रिड के शहर में अलमेदा दी ओसोना के अलावा मजास और चुपेरा भी शामिल हैं। वज़ीर आज़म पेद्रो सांचेस ने आज मंगल पालिसियो दी ला मोंक्लो में वज़रा की काउंसिल के इजलास के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए ऐलान किया है कि एग्जेक्टिव को तवक्को है कि इस अगस्त के आखिर तक 33 मिलियन हस्पानवियों को कोरोना वैक्सीनेशन कर दी जाएगी। ऐलान करदा आदाद शुमार के मुताबिक 19 जुलाई तक 25 मिलियन अफराद को कतरे पिलाने की तवक्को है। वज़ीर आज़म पेद्रो सांचेस ने कहा कि हमने अप्रैल और सितंबर के दरमियान 87 मिलियन से ज़ायद खुराकों का मुआहिदा किया है, जिससे इस बात को यकीनी बनाया जाता है कि इस अरसे में शहरियों की बड़ी तादाद को कतरे पिलाए जा सके। वज़ीर आज़म पेद्रो सांचेस ने यह भी वाजे किया है कि एग्जेक्टिव का मकसद मौजूदा कोरोना पाबंदियों को बढ़ाना नहीं है। उन्होंने कहा कि पाबंदियां 9 मई तक हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी स्पेन और पीपल्स यूथ ऑर्गेनाइजेशन के ज़ेरे एहतमाम इस्लामिक सेंटर मिनहाजुल कुरान बार्सिलोना में ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद की 42वीं बरसी के मौके पर कुरान खानी और दुआइया महफिल का एहतमाम किया गया। इस मौके पर सदर पीपल्स पार्टी स्पेन चौधरी इश्तियाक हुसैन ने तमाम शुरका का शुक्रिया अदा करते हुए कहा, भुट्टो शहीद ने कौम को फख्र से सर उठाकर जीने का ढंग सिखाया। भुट्टो ने दुनिया को बताया कि लीडर मौत को शान से कबूल करता है और उसूलों पर समझौता नहीं करता। बरसी में तमाम मकतबाए फिक्र के अफराद ने शिरकत की और भुट्टो शहीद की रूह के इसाले सवाब के लिए कुरान खानी और फातिहा खानी की गई और ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद की पाकिस्तान के लिए और ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए दी गई खिदमात को खराज अकीदत पेश किया गया। पीपल्स पार्टी यूरोप के सेक्रेटरी इतलात और नशरियात अब्दुल रजाक सादिक और सदर पीपल्स पार्टी स्पेन चौधरी इश्तियाक हुसैन ने बरसी को ऑर्गेनाइज किया। ईस्टर के बाद स्पेन में कोरोना केसेस की शरह तेजी से बढ़ रही है। 1 लाख की आबादी के तनासब से केसेस की शरह 163.37 तक पहुंच चुकी है, जबकि 23 मार्च तक पूरे मुल्क में ये शरह 138.63 रही। इसके बाद एक दिन ये फिगर ऊपर उठता तो दूसरे दिन नीचे आता। गुज़श्ता कुछ दिनों में इजाफा रहा, मगर 3 अप्रैल को केसेस की शरह 151.79 रही, जबकि अब एक बार फिर उबाल आ गया है। मंगल के रोज वजारत सेहत की तरफ से जारी रिपोर्ट में कहा गया कि यह शरह अब 163.37 तक पहुंच गई है। रिपोर्ट में कहा गया कि बावजूद इसके कि ये तातीलात के दौरान केसेस की शरह में कमी आनी चाहिए थी, ट्रेंड में इजाफा देखने को मिला है। लेनरी जजीरे के अलावा जहां केसेस की शरह में कमी वाकिया हो रही है, मजमूई तौर पर मरीजों की तादाद बढ़ रही है। बेलेरियास, वेलेंसिया, गलेसिया और मोरसिया में शरह 100 से नीचे है, ताहम इसमें उतार चढ़ाव आ रहा है। 23 मार्च के बाद अगर केसेस की शरह का अंदाजा किया जाए तो स्पेन के अलावा तमाम इलाकों में केसेस बढ़ रहे हैं। ताहम कैनरी जजीरे, गलेसिया और ईस्टर मादोरा में ये शरह कम रही है। कतालान हुकूमत का कहना है कि 12 अप्रैल से 70 से लेकर 79 साल की उम्र के अफराद की वैक्सीनेशन शुरू की जाएगी। उन्हें तवक्को है कि इस हफ्ते के आखिर तक 80 साल से ज्यादा उम्र के तमाम अफराद अपनी पहली खुराक ले चुके होंगे। इतवार के रोज वजीर सेहत अलबारगस ने कहा कि बेशक वैक्सीनेशन के इस अमल में कई हफ्ते लगेंगे, क्योंकि 80 साल से ज्यादा उम्र के अफराद के लिए की जाने वाली मुहिम की निस्बत ये दूसरी मुहिम ज्यादा सुस्त रवि का शिकार होगी। ख्याल रहे कि 5 अप्रैल को 64.1% अफराद जो 80 साल के ग्रोह में शामिल हैं, कम अज कम एक खुराक ले चुके हैं।
जबकि कतालोनिया में 1 मिलियन आबादी के तनासब से कम एक खुराक हर शख्स को मिल गई है, जो 10,22,501 बनती है। इसका मतलब है कि कतालोनिया की 13.24% आबादी, जो 443.580 बनती है, वैक्सीनेशन के अमल से गुजर चुकी है। बार्सिलोना के करीबी बड़े शहर लेलिदा के मुस्लिम तंजीम वतनी एसोसिएशन के नुमाइंदे मुराद अल बुदोवी ने हुकूमत से दरख्वास्त की है कि मुसलमानों के रमजानुल मुबारक के 30 दिनों के लिए कर्फ्यू को हटा लिया जाए। रमजानुल मुबारक के दौरान खासतौर पर 13 अप्रैल से 12 मई तक कर्फ्यू की पाबंदियां हटाई जाएं। दरख्वास्त में कहा गया है कि वो 30 दिन मुस्लिम मुआशरे के लिए मुकद्दस हैं और इनमें मजहबी रसूमात शामिल हैं जो रात से शाम तक जारी रहती हैं। यही वजह है कि वो ललिदा की सिटी काउंसिल से दरख्वास्त करते हैं कि वो मजहबी इदारों और इनके आम मुसलमानों को इजाजत दें कि वो रात 10 बजे के बाद इबादतगाहों में नमाज पढ़ने के लिए जा सकें, जबकि अभी इस बात की इजाजत नहीं है कि रात 10 बजे के बाद बाहर निकला जा सके। आखिर में उन्होंने याद दिलाया कि वतनी एक ऐसी तंजीम है जो बुनियादी तौर पर तारकीन वतन और मुस्लिम मजहब के मानने वालों के जरिया तश्कील दी गई है और ये मुकामी मुआशरा में इंजमाम और बकाए बाहमी को मजबूत बनाने में मदद फ्राहम करती है। पाकी केयर स्पेन के लीडिंग लीगल एडवाइजर्स आराइगो रेजिडेंसी की तजदीद, नेशनैलिटी, फैमिली वीज़ा और दीगर कानूनी मामलात के हल के लिए हमारे पास तशरीफ लाएं। हमारी एक्सपर्ट टीम के पास हजारों लीगल मामलात के हल मौजूद हैं। कागजात और सीता सिस्टम की झंझट से निजात, ऑनलाइन डिजिटल सहूलियात की बदौलत हफ्तों का काम दिनों में, बहुत मुनासिब फीस मगर मियारी टीम। पाकी केयर के डायरेक्टर मलिक इमरान कहते हैं, पाकिस्तान से फैमिली बुलाना और नेशनैलिटीज जिसमें हम एक्सपर्ट हैं। हमारा पता है स्पेन में वाकई कुर्तबा रेस्टोरेंट, पाकिस्तान से मीलों दूर पाकिस्तानी खानों का बेहतरीन मरकज, लजीज मिक्स ग्रिल्स, उम्दा कढ़ाई डिशेस और बहुत सारी रवायती डिशेस आपके लिए खास ताजा तैयार की जाती हैं। बेहतरीन सर्विस और खूबसूरत माहौल, तो जब भी याद आए वतन की जरूर आए कुर्तबा रेस्टोरेंट। याद रहे, हमारी कोई और ब्रांच नहीं। खुर्रम स्वीट एंड बेकर्स बांदलोना, साल हाँ साल से आपकी खिदमत में पेश पेश मक्खन से तैयार करदा स्पेशल बेकरी आइटम्स और खस्ता फास्ट फूड, मिठाई के जायके ऐसे कि आप भूल ना पाए। शादी ब्याह और दीगर तकरीबात के लिए मॉल ऑर्डर पर तैयार करवाएं, फ्री होम डिलीवरी के साथ बर्थडे और वेडिंग केक तैयार करवाएं जैसे आप चाहें। बेकर्स की दुनिया का जगमगाता सितारा खुर्रम स्वीट एंड बेकर्स बांदलोना, डायरेक्टर चौधरी खुरम यकूब आफशाह जहानिया, एड्रेस काये चिली नंबर 51।